आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। हमारे कुछ दर्शकों का निवेदन था कि आप अपनी तरफ से पेनी स्टॉक का रिकमेंडेशन कीजिए, तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं 3 पेनी स्टॉक। आप इसको प्री नवरात्रि गिफ्ट भी समझ सकते हैं हमारी तरफ से। इंडिया में नवरात्रि फेस्टिवल बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है, तो इसको हमारी तरफ से आप नवरात्रि का गिफ्ट समझ के 3 पेनी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। अब पेनी स्टॉक को आपको समझना है, उनकी कंसेप्ट क्या है कि पेनी स्टॉक में कंपनी में कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या डेप्ट ज़्यादा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू बहुत नीचे गिर चुकी है। तो सारे पेनी स्टॉक बायबल नहीं होते हैं, आपको सिलेक्टिव पेनी स्टॉक को बाय करना है। क्योंकि अब दिवाली का टाइम भी आ रहा है, तो इसके लिए हमने ये स्पेशल वीडियो आपके लिए दिवाली के 3 पेनी स्टॉक के पर्पज़ के लिए भी बनाया है। तो आप जैसे आप समझें वैसे अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इन स्टॉक को। दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा तब इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनी स्टॉक का। हमारे चैनल पर सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5x5 रूल फॉलो करना होता है। 5x5 रूल का सिंपल मतलब होता है कि आप कम से कम 5 स्मॉल कैप या मिड कैप इन्वेस्टमेंट में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक सेलेक्ट करके बैठ जाएं, नहीं, वो गलत होगा। क्योंकि अगर किसी वजह से वो कंपनी खराब होती है या रिजल्ट खराब होता है या कोई बैड न्यूज आती है उसके बारे में, तो आपका कैपिटल खराब हो सकता है। और दूसरा आपको डेफिनेटली रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल कि आपको मैक्सिमम 5% अपने पोर्टफोलियो का पेनी स्टॉक में अलाउ होगा। तो अगर आपने कोई भी एक पेनी स्टॉक सेलेक्ट किया हमारे लिस्ट में से, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपिटल होगी 5% तक होगी। इसका मतलब अगर आपका 1,00,000 का पोर्टफोलियो है स्टॉक में, तो उसका 5,000 आपको मैक्सिमम अलाउड है किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। 3 में अलग अलग कर सकते हैं, 5, 5, 5, पर 1 में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5% की है। ये रूल हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। अब चलते हैं स्टॉक सेक्शन नंबर 1, स्टॉक नंबर 1 के लिए। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट करके आया है वो है रीब्रांडेड VI। इसको वोडाफोन या आइडिया के नाम से भी जानते थे, अब ये रीब्रांड होके VI के नाम से चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है हमारे नजर में टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा होगा, क्योंकि हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ प्राइस नहीं बताएंगे, हम कुछ रीजनिंग भी बताएंगे ताकि आप उसको अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। तो सबसे पहला जो हमने इसका रीजन सेलेक्ट किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग द पेनी स्टॉक्स जो हमारे 3 है सबसे अच्छी इसी की है। 36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। रीब्रांड का क्या मतलब होता है? रीब्रांड का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी काम तो वही करेगी जो आपने करा है, पर आप इसको एक नए ब्रांड की तरह से लॉन्च करेंगे ताकि आपके एम्प्लॉय में थोड़ा सा बूस्ट हो, आपके डीलर्स में थोड़ा सा बूस्ट आए, और कस्टमर को भी थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिले, मोरल बूस्ट मिले, उसको उसकी तरफ को अग्रिम हो। तो ये एक US में स्टडी की गई थी, मार्केट रिसर्च में उन्होंने टॉप 10 रीब्रांडेड कंपनीज का रिसर्च किया और कंक्लूजन निकला कि रीब्रांडिंग के बाद उन कंपनियों की ऑन एवरेज 30% प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो गई है। सिर्फ एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि स्टॉक वैल्यूएशन की, उनके बिजनेस की, और सबकी कम से कम 30% की प्रोडक्टिविटी बूस्ट है। तो उसके चलते हुए वोडाफोन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा रीजन वोडाफोन को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में देखें जो लार्ज वेल्दी सेगमेंट है वो लोग पोस्टपेड प्लान लेते हैं अपना, ताकि उनको बार बार रीटॉप ना कराना पड़े, मंथ ऑन मंथ उनको डिडक्ट करा सकते हैं अपने बेसिस पे। तो पोस्टपेड में वोडाफोन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, 42% की हमारी इंडिया की जो 42% पॉपुलेशन है एज पर ट्राई डाटा जो पोस्टपेड में यूज करती है, उसका 42% यहां पर वोडाफोन के पास है। सेकेंड एयरटेल आता है, जियो कहीं भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं क्या सिग्निफिकेंस होल्ड कर रहे हैं ये पोस्टपेड में, और जो रीब्रांडिंग की है उसके बाद में अब यहां पर प्रीपेड में भी इनका अच्छा काम शुरू हो गया, हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। चलकर इसका देखते हैं अब यहाँ पर इसके चार्ट को क्या कह रहे हैं हमारे। अगर हम चार्ट देखें तो आइडिया का जो चार्ट आपको बताएगा वो आपका इफेक्टिवली यहाँ पर एक कोर्ट की रूलिंग के बाद में जो इसने लो बनाया है 7.80 रुपीज़, वो एक अच्छा बेस बन चुका है। यहाँ से ऊपर गया था 13 रुपये तक, और फिर उसके बाद में थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, अब यहाँ पर अच्छे लेवल पर आ गया है। आप चाहें तो इसको अपने परचेज कर सकते हैं। जो इसकी परचेज रेंज होगी वो हम अभी बताते हैं, पर पहले एक और पैरामीटर इसका देख लेते हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं अपने
चार्ट्स पर, हम जीरोधा का टूल यूज करते हैं उसमें अवेलेबल है। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसने एक अच्छा साइन दिखाने की कोशिश की थी, पर अभी दो दिनों से इसने एक सेल सिग्नल आ गया है, इवन दो वो उस लेवल के वापस ऊपर आ चुका है आज, बट एज पर द प्रिंसिपल सुपर ट्रेंड ने अभी सेल सिग्नल दिखाया है। तो अभी रेंज की बात करें तो हम इसकी रेंज आपको बताएंगे दो रेंज के बेसिस पर। आपको हमेशा ध्यान रखना है सारी की सारी क्वांटिटी एक ही जगह पर मत परचेज कीजिए, तो करीब करीब 9 रुपये से लेकर 8 रुपये तक की रेंज आपकी रहेगी, 7 रुपये 90 पैसे 8 रुपये तक की रेंज रहेगी, जो आपको इस रेंज में इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन है इस स्टॉक के लिए। आगे का टाइम क्या होगा कि ये 5G रेडी ऑलरेडी है, एज पर देयर CEO MD रविंदर ठक्कर जी, उन्होंने बोला है कि इनका नेटवर्क 5G रेडी है। जैसे ही गवर्नमेंट का ऑप्शन शुरू करेगी अवेलेबल होगा, तो इससे लोगों को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा और वो 5G ब्रांड पर चले जाएंगे बहुत जल्दी। तो एक अच्छा कदम है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, इसकी हम इनको तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप वोडाफोन होल्डर के नहीं है, अभी भी स्टॉक नहीं लिया है आपने वोडाफोन का, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्टॉक चाहे तो ले सकते हैं। और साथ ही साथ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कस्टमर लॉयल्टी भी एक चीज़ होती है। आपने शुरू में वोडाफोन आइडिया से काम किया है, तो एक नया कस्टमर सिम कार्ड आप लेंगे तो ये जो रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स में वो थोड़ा सा रुकेगा। ये हमारी एक तरह से रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप चाहें तो अपना एक नया सिम ले सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो स्टेडी 72% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग की हुई, जो कि बहुत अच्छा साइन है एक स्टॉक के लिए। FII ने भी होल्डिंग रखी हुई अपनी 8% के आसपास, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सब ने होल्डिंग रखी हुई है। तो ये दिस इज वन ऑफ अवर फर्स्ट पिक इन दिस टेलीकॉम सेक्टर में मस्ट हैव स्टॉक है हमारी तरफ से, थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। दोस्तों हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव सर्विस पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, 8,000 रुपीज पर मंथ चार्जेस हैं और टेक्निकल वर्कशॉप भी कराते हैं। अब हम चलकर बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की। जो स्टॉक नंबर 2 है इस सेक्शन में वो है साउथ इंडियन बैंक। पहले रीजन समझाएंगे, फिर रेंज बताएंगे और टारगेट भी बताएंगे आपको तीनों का। तो समझिए, अगर साउथ इंडियन बैंक की बात की जाए तो दक्षिण भारत के लोग लोकलाइज ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर किसी को होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो वो जाकर अपने साउथ इंडियन बैंक से ही लेंगे रादर देन नेशनलाइज बैंक। लैंग्वेज का भी फर्क होता है, वहाँ पर लोकलाइट होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा एडवांटेज रहता है। इसकी मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, ध्यान रखिए पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो मार्केट कैप स्मॉल भी हो सकती है उनकी। इसकी मार्केट कैप 1,514 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली है आज के बेसिस पर। एडवांटेज इसका क्या है कि इन लोगों के पास में काफ़ी सारे ऑफर हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेटिव कंपनी है। बैंकिंग कंपनी होने के बाद भी इन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है जितना अदर बड़े बड़े बैंकों ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, और इन्होंने कार्ड्स पर बहुत अच्छे ऑफर दिए हुए हैं। जैसा रीजन उसके हिसाब से ये ऑफर करते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको शॉपिंग का ऑफर देंगे कि आप शॉपिंग करेंगे, परचेस करिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड चाहिए या फिर शॉपिंग मॉल में जाके किसी आउटलेट के साथ टाइप करके आपको ऑफर देंगे। अगर आप दक्षिण भारत के मेंबर हैं तो आपको डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर लोन ऑफर देंगे, ताकि गोल्ड आप खरीदें इसके ऊपर और अपनी EMI में कन्वर्ट कर लीजिए लो कॉस्ट पे। तो ये इस तरह से इनोवेटिव करते हैं प्रोडक्ट अपने रीजन के बेसिस पर। अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आगे इंप्रूव होगी। जो इनका इंटरेस्ट पे करना था, एक्सपेंस का जो मेन पार्ट होता था, वो इन्होंने सारा बॉन्ड पे कर दिया है एज ऑफ यस्टरडे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा हमने बताया कि ये एक अगर ये टेक्नोलॉजी कंपनी होती तो बहुत अच्छी कंपनी होती, टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में भी इन्होंने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ये साउथ इंडियन बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 मिला है, आप ये समझिए। और टेक्नोलॉजी IT सेक्टर के दिग्गज TCS के CEO राजेश गोपीनाथन जी ने इनको अवार्ड दिया है, और साथ में बैंकिंग के सेक्टर के दिग्गज SBI बैंक ने भी इनको अवार्ड प्रोवाइड किया है। तो आप ये समझिए कि इसको कंपनी को आगे आने वाले टाइम के लिए टेक्नोलॉजी पे इसने ऑलरेडी अपनी ग्रोथ जमा ली है, वो ये आगे और अच्छा काम करेगी। रजनीश कुमार जी इनको अवार्ड दे रहे हैं जो SBI के चेयरमैन हैं। तो इस हिसाब से ये बैंक बहुत अच्छा बैंक रहेगा आपका फ्यूचर ग्रोथ दिखाने के लिए। अगर इसका प्राइस चार्ट देखें तो जो इसकी देखिए यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा बेस बना चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ चुकी थी, अपर इसने फिर यहाँ से एक W शेप रिकवरी की है और यहाँ पर ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा रीजन है जो आप खरीद सकते हैं 6.70 रुपये से लेकर 6.20 रुपये के बीच में, ये एक रेंज है जिसमें आप खरीद सकते हैं। यू कैन बाय
साउथ इंडियन बैंक बिटवीन 6 रुपी 70 पैसा एंड 6 रुपी 20 पैसा, दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। अगर कुछ टेक्निकल पैरामीटर पर देखें तो हाई लो बैंड के बेसिस पर भी इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया अब यहाँ पर, और ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने अपर सेक्शन में काम कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। अब अगर हम इसका क्यों इसको रिकमेंड कर रहे हैं, हमारे हिसाब से अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर देखना है आपको तो उन बैंक को देखिए जिन्होंने जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जेन जेड जो है वो आजकल अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू सब काम ऑनलाइन करना चाहती है। इनके थ्रू आप बैंक ऑनलाइन खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, तो बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जेन जेड को काफ़ी टारगेट किया है। अब जो अभी जेन जेड है वो आगे चलकर कॉर्पोरेट में ज्वाइन करेगी और अपनी इफेक्टिवली जब जॉब करेंगे तो उनका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से वो लोग नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो बैंक है इसको हम कह रहे हैं बैंक ऑफ द फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम के लिए दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग। तो अभी के लिए ये इतना इस स्टॉक के रेफरेंस में बात करेंगे। जैसा हमने बताया दोस्तों, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो सकता है, पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको पूरा एडवांटेज मिल सके इस वीडियो के थ्रू। अब हम सेक्शन 3 में चलते हैं स्टॉक नंबर 3 के लिए। हमारा स्टॉक नंबर 3 इज फ्रॉम फ्यूचर ग्रुप। इस ग्रुप को हम पिछले 6 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, हमने वीडियो अपने चैनल पर करीब 4 महीने से बनाना शुरू किए हुए हैं, पर इस ग्रुप को जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। वन ऑफ द गुड ग्रुप, बट एज अ पेनी स्टॉक कंपनी आपको उस हिसाब से देखना है इसको। आगे इसका जैसा आपको पता है रिलायंस इसको खरीद रहा है आगे आने वाले टाइम के लिए, हमारी उम्मीद है कि ये स्टॉक भी आपको बम्पर रिटर्न देगा आगे आने वाले टाइम के। अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको डील के बारे में बताई दिया है, रिलायंस की जो डील हुई है उसकी टोटल वैल्यूएशन 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन की है इसने, और रिटेल एंड होलसेल बिजनेस अलॉन्ग विद लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस इसको खरीद रहे हैं इसके फ्यूचर ग्रुप के पार्ट को। डील इज सब्जेक्ट टू मार्केट रेगुलेटर्स, सेबी का अप्रूवल आएगा, सीसीए का अप्रूवल ऑलरेडी इन प्रोग्रेस चल रहा है, जहां तक हमारी उम्मीद है दशहरे तक इसका अप्रूवल आ जाएगा नवरात्र के बाद खत्म होने के बाद, और एनसीएलटी शेयर होल्डर क्रेडिटर सबका अप्रूवल होने की जरूरत है इस डील के रेफरेंस में, तो इस बात का आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। अब अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 575 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, वेरी एक्सट्रीम स्मॉल कैप, दैट्स व्हाई इट इज अ पेनी स्टॉक। बट जब ये मर्जर हो जाएगा, इनका अप्रूवल जब सीसीए का अप्रूवल आने के बाद मर्जर हो जाएगा, सेबी का अप्रूवल आ जाएगा, तो इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी जब ये डील का फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए तो 10,000 की बजाय ये 20,000 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन भी अप्रिशिएट होगा। 10,000 करोड़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने FEL का देखा, ये इंडिविजुअल FEL स्टॉक की मार्केट कैप है, पर मर्ज होने के बाद इसमें 5 कंपनीज मर्ज हो जाएंगी जिसमें फ्यूचर रिटेल भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से बेस कैपिटल जो बन जाएगी वो करीब करीब इसकी 10,000 करोड़ की बन जाएगी, और वो डील के अकॉर्डिंगली 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है उसकी। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई कमेंट है या समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपको हेल्प कर सके वहां पर। अब अगर FEL का चार्ट देखें तो डेफिनेटली डील के बाद से थोड़ा सा नेगेटिव पैनिक चल रहा है, क्योंकि सीसीआई का अप्रूवल होने में थोड़ा डिले लग रहा है और यहां पर ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं अपना। अभी के हिसाब से अगर आज का चार्ट देखेंगे तो 11 रुपए 20 पैसे के आसपास ये चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर आप इसको खरीद सकते हैं, यहां पर ये रेंज बहुत अच्छी है, 10.5 रुपए से 11 रुपए के बीच में आपको ये बहुत अच्छी रेंज मिलेगी, बल्कि 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में ये आपको बहुत अच्छी रेंज है जहां पर आप इसको परचेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर कुछ सिंपल पैरामीटर पर बात की जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट आया था जो कि बहुत अच्छा साइन है ऊपर जाते हुए, पर उसके बाद में यहां पर ये पैनिक सेलिंग हुई है। यहां पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू होल्ड, और अगर आपने बाइंग नहीं किया है तो 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में इसकी बहुत अच्छी बाइंग है, आप अपने हिसाब से इसको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका एडवांटेज क्या मिलेगा FEL को, क्योंकि FEL अब सर्व करेगा दोनों ग्रुप को, फ्यूचर ग्रुप को भी सर्व करेगा और रिलायंस ग्रुप को भी सर्व करेगा, तो फिजिकल नेटवर्क को सर्व करेगा, और उसके साथ में जो तीसरा चैनल मिलेगा वो है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इनके पास पहले ऑनलाइन का सेल का अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू, जियो मार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, तो इनका आगे आने वाला टाइम काफी पॉजिटिव रहेगा, जिसके चलते हुए ये बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा स्टॉक। अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए, 72% प्रमोटर होल्डिंग है FEL में, और DI की होल्डिंग करीब करीब 6% के आसपास है, लार्ज इंस्टीट्यूट्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, और अदर्स रिटेल सेगमेंट आप और हम जैसे लोग 20% की होल्डिंग रखते हैं इसमें, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। जैसा अभी आप तो सिर्फ रिलायंस की डील समझ रहे हैं कि रिलायंस फ्यूचर को खरीद रहा है, बट हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने इस ग्रुप को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे स्टडीज और हमारी स्टॉक मार्केट नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक बाद में रिलायंस में कन्वर्ट होगा।
अभी आपको शायद ये बात हजम ना हो या समझ में ना आए, आई फुली अप्रिशिएट दैट, पर हमारा विजन जो है ये है कि FEL को रिलायंस में कन्वर्ट होगा, तो हमने इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में FEL में, क्योंकि हम हमें लग रहा है कि हम यहाँ इसके थ्रू रिलायंस को बहुत डिस्काउंट प्राइस में खरीद रहे हैं। तो ये हमारा व्यू है, ये हमारे तीन स्टॉक हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाना, थोड़ी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, आपके लिए तीन चुनकर स्टॉक लेके आए हैं। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब इनके टारगेट की बात की जाती है, टारगेट हम इसका 3 साल का टारगेट बताएंगे क्योंकि विजन आपका लंबा होना चाहिए, तो चलकर तीनों स्टॉक का टारगेट की बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले आइडिया का टारगेट की बात की जाए, 3 साल के लिए इसका टारगेट करीब करीब 40 रुपये का हमारा टारगेट है। साउथ इंडियन बैंक का अगर टारगेट की बात की जाए तो इसका टारगेट करीब करीब 18 रुपये का टारगेट है हमारा। और अगर FEL की बात की जाए तो इसका टारगेट हम लॉन्ग टर्म का बता रहे हैं, हमारे हिसाब से 3 साल में आपको रिलायंस शेयर मिलेगा इसके बदले में, बट अगर आप अभी के हिसाब से इसका टारगेट प्राइस देख रहे हैं तो इसका टारगेट प्राइस भी करीब करीब 40 रुपये के आसपास है हमारे हिसाब से FEL की वैल्यू में, बट हमारी उम्मीद है कि 3 साल के अंदर ये रिलायंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और क्षमा चाहते हैं एक बार फिर से अगर ये वीडियो लंबा हुआ है, बट आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हमारे स्टॉक सिलेक्शन, और कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, और आपके बेस्ड ऑन ब्राउजर हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर डिजिटल प्रोफाइल, ये चार वीडियो चारों कॉर्नर में लगे हुए हैं, आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं गूगल की पार्टनरशिप के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू एक्सक्लूसिवली हमने गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब आप इसको चाहें तो जो आपको वीडियो देखना है देख सकते हैं, चारों वीडियो में हमने लर्निंग के भी आपके लिए वीडियो लगाए हैं, तो दो दो लर्निंग के वीडियो होंगे आपके लिए स्टॉक मार्केट के, और दो आपको हमारे गुड स्टॉक्स जो हमारे रिकमेंडेशन है उनको देख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप यहां पर सीख पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।